हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय युवा दिवस विशेष योग में चार बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड युवाओं को 7 साल से निशुल्क दे रहे हैं कोचिंग। योगी महिपाल कमेडिया ने अब तक 100 से ज्यादा योग और गाइडेंस शिविर में युवाओं को दिया प्रशिक्षण। जसाई मिलिट्री स्टेशन में सिविल डिफेंस कार्मिक योगी महिपाल कमेरिया 6 सालों से लगातार युवाओं को योग और मिलिट्री की निःशुल्क फिजिकल कोचिंग दे रहे हैं। उन्होंने अपने काम के साथ साथ योग और समाज सेवा को जीवन का हिस्सा बना लिया है। रोजाना सुबह युवाओं के लिए निःशुल्क फिजिकल कोचिंग करवाते हैं। इसमें सैकड़ों युवा उनके मार्गदर्शन में आर्मी की फिजिकल तैयारी करते हैं। वे जसाई में 7 साल से सिविल डिफेंस कार्मिक के रूप में तैनात है। मूलत बारनी खुर्द गांव भोपालगढ़ जोधपुर निवासी योगी महिपाल कमेडिया सामान्य किसान परिवार से हैं। इन्होंने अपनी कर्म भूमि बाड़मेर को बनाया और यहां पर सैकड़ों युवाओं की प्रेरणा बने हुए हैं। वे पतंजलि योग संस्थान और आयुष मंत्रालय से प्रमाणित योग शिक्षक है। योग के अलावा जब भी समय मिलता है तो गौशालाओं में गायों की सेवा में अपने आप को समर्पित रखते हैं। प्रत्येक शिविर को स्कूल कॉलेज सहित विभिन्न संस्थाओं में युवाओं के लिए करियर गाइडेंस योग शिक्षा के निशुल्क शिविर आयोजित कर रोजगार के विभिन्न आयामों के बारे में गाइडेंस करते हैं। इनसे प्रेरित होकर कई युवाओं ने सेना को अपना करियर बनाया और सैकड़ों इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनमें ये निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। योग में 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड, योगी महिपाल ने 4 बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले इन्होंने 4th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21/2018 कोटा जून में स्वामी रामदेव जी महाराज एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सानिध्य में चलित त्रिकोण आसान में रिकॉर्ड बनाया। पहली बार इन्होंने 6 मिनट 4 सेकंड में 500 बार चलित त्रिकोण आसन का रिकॉर्ड बनाया। लगातार दूसरी कोटा में इसी आसन को 10 मिनट में 938 बार और तीसरी बार मेरठ उत्तर प्रदेश 12.30 मिनट में 1500 बार आसन किया। इस तरह इसमें इन्होंने 2 बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम रखा। चौथी बार 6th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अयोध्या से वर्चुअल योग प्रतियोगिता हुई। इसमें इन्होंने 1 घंटा 11 मिनट 11 सेकंड तक मर्कट आसन में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। युवाओं को देते हैं निःशुल्क गाइडेंस। आर्मी भर्ती और सामान्य दिनों में सुबह 5 बजे आदर्श स्टेडियम में युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। सुबह 5 बजे सैकड़ों युवा इनके मार्गदर्शन में फिजिकल तैयारी करते हैं। इसके अलावा कोरोना से पहले इन्होंने दर्जनों स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को यौगिक क्रियाएं निःशुल्क सिखाई। कोरोना काल के दौरान वर्चुअल तरीके से लोगों को घर बैठे योग करने के लिए प्रेरित किया और स्वयं ने निश्चित समय में ऑनलाइन लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया। इनके गाइडेंस की बदौलत वर्तमान में बाड़मेर के दर्जनों युवा कई फोर्सेस में कार्यरत हैं। प्रत्येक शनिवार को योग शिविर। प्रत्येक शनिवार को योगी महिपाल विभिन्न स्कूलों कॉलेजों व संस्थाओं में निःशुल्क योग शिविर लगाते हैं। इन शिविरों में बुजुर्गों को उनकी उम्र के अनुसार योग करने की जानकारी देते हैं। इसके अलावा युवाओं को विभिन्न मुद्राओं में योगासन और उनसे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देते हैं। योग के साथ साथ युवाओं को करियर को लेकर भी गाइडेंस करते हैं। इन्होंने अब तक 100 से अधिक योग शिविर व कई गाइडेंस शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में योगी विद्यार्थियों को योग करियर मोटिवेशनल डिफेंस स्वास्थ्य व पंचगव्य के बारे में बताते हैं। 5 बार से ज्यादा बार रक्तदान कर लोगों को रक्तदान करने की प्रेरणा दी। इनकी सामाजिक सेवाएं व योग के प्रति समर्पण को देखते हुए विभिन्न मंच इन्हें कई बार सम्मानित कर चुके हैं। पहला, बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बाड़मेर जिले में लगातार उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दूसरा, 1 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय
श्री कैलाश चौधरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जाट गौरव से सम्मानित किया गया। तीसरा, 15 अगस्त 2020 कोरोना काल में लगातार जड़ी बूटी वितरण और योग के प्रति लोगों को जागरूक एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के प्रयास के उपलक्ष्य में भोपालगढ़ एसडीएम सुखराम पीडल ने सम्मानित किया। असंभव कुछ भी नहीं, कमेडिया। योगी महिपाल कमेडिया ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि दुनिया में असंभव कोई काम नहीं होता है। अपनी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही लक्ष्य आसान होता जाएगा। कोई भी काम करने से युवा पहले लक्ष्य तय करें और फिर उसी के अनुसार प्रयास करें। जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, इसलिए दिनचर्या में योग को हिस्सा बनाएं। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये हमारे देश के युवाओं के लिए गर्व की बात है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।